तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएस एक्सेल के आज सातवें क्लास में, और आज के क्लास में हम लोग ये सीखेंगे काउंट इफ्स काउंट सीरीज फार्मूलाज को। ठीक है, इससे पहले हमने सम सीरीज फार्मूलाज को बताया था, उसमें आपको 8 फार्मूले थे, उसी प्रकार आज हम काउंट सीरीज फार्मूले को देखेंगे। इन काउंट सीरीज फार्मूला को हम लोग काउंट में गिनने के लिए करते हैं, जिस तरह से सम में जोड़ने के लिए करते थे। ठीक है, उसमें लगभग सारे फार्मूले जोड़ने के लिए और मिला जुला के घटाने के लिए थे। इसमें सारे फार्मूलाज को गिनने के पर्पज़ से हम लोग काम करते हैं, निकालने के पर्पज़ से। तो टोटल आपको सम सीरीज में कितने फार्मूलाज थे, 8 थे, और यहाँ पर आपको काउंट सीरीज में आपको टोटल कितने फार्मूलाज हैं, 5 हैं। अब यहाँ पे हम लोग को देखना है कि कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो पहला होता है आपका काउंट। ठीक है, तो आप लिखते चलेंगे या सुन सुन कर देखते चलेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। काउंट, काउंट का मतलब होता है गिनना, इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको यहाँ पे काउंट फॉर्मूला क्या करेगा, ये गिन के देगा। लेकिन ये क्या गिनता है, ए काउंट काउंट ओनली नंबर्स। ये जो फॉर्मूला है काउंट, ये आपकी सेल में से सिर्फ नंबर को ही काउंट करेगा। ठीक है, नंबर को आपको काउंट करेगा। ये देखिए इस प्रकार से, जैसे मानते हैं कि यहां पर हमने एक सेल को बनाया, इस प्रकार से हमने यहां पे एक सेल को बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे सेल में आपको कुछ नंबर और कुछ टेक्स्ट को दे देते हैं, जैसे राम, श्याम, मोहन, 12, 20, 18, 36, 24, सूरज। ठीक है, एक फॉर्मूला हमने दिया, ये हमने इस सेल के अंदर में टाइप कर दिया। जब आप सेल के अंदर में टाइप किए और इसका अगर सेल नंबर आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं कॉलम नंबर, ये आपका हो जाएगा ए, ए आपका होगा बी, सी और डी। आप यहां से रोल नंबर इसको दे देंगे, 1, 2, 3। ठीक है, ए आपको हो गया कॉलम और ए आपका क्या हो गया, ए रो। ठीक है, ए आपका कॉलम और ए आपका हो गया रो। अब यहाँ पे हम लोग को काउंट फॉर्मूलाज में कहता है काउंट ओनली नंबर, यहाँ नहीं कि अगर आपको फॉर्मूले लगा रहे हैं तो आपको लिखना इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी। ठीक है, काउंट और छोटी कोश, और इस बात को ध्यान रखिएगा, एक कोई जरूरी नहीं है कि ए वन में ही कोई वैल्यू है तो निकलेगा, बी टू में ही कोई वैल्यू है तो निकलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सेल का वैल्यू, सेल का नाम याद रखना है कि किस सेल से लेकर के किस सेल तक हमारा वैल्यू दिया हुआ है, जहां पर हम लोग को सीखना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग को ए वन है ना, ए सेल आपका कहाँ है, ए वन, और इंड सेल आपका कहाँ है, डी थ्री तक। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ इसी का निकाले तो कोई दिक्कत ना, ए वन अनुपात डी वन हो जाएगा। अगर मानते इस वैल्यू का निकालना है तो ए टू अनुपात डी टू, अगर सिर्फ इसका निकालना है तो ए वन अनुपात ए थ्री, सिर्फ इसका निकालना हो तो बी वन अनुपात बी थ्री, यानी कि जहां से आपका स्टार्ट हो रहा है और जहां पे आपका इंड हो रहा है। लेकिन अगर आप चाहें कि हम एक बार में पूरे सेल को सिलेक्ट करके काउंट करें कि कितने इस सेल के अंदर कितने आपको नंबर्स दिए गए हैं, तो आप यहां से लेके यहां तक आप इस, या तो माउस को एक बार यहां क्लिक कर दीजिएगा
तो इस प्रकार से आपको सिंबल आपको इस सेल के अंदर दिख जाएगा प्लस का, इस प्रकार का आपका सिंबल दिखेगा, ठीक है। अब यहां पे आप लेफ्ट क्लिक, माउस के लेफ्ट क्लिक बटन को प्रेस करेंगे और ड्रैग करेंगे, ठीक है। ड्रैग जहां तक करना है, जहां तक आपको सेल को सिलेक्ट करना है, तो यहां से लेके यहां तक हम ड्रैग कर देंगे तो पूरा मेरा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मानते हैं कि आपसे गड़बड़ हो जा रहा है, माउस बार बार छूट जा रहा है, सिलेक्ट नहीं हो पा रहा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं A1 अनुपात, क्योंकि A1 से आपका शुरू है और अंत कहां है, D3 पे, तो आप इसको D3 आप एक बार में लिख सकते हैं, हाथ से टाइप कर सकते हैं, कीबोर्ड की सहायता से, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये आपको हो गया। अगर मानते हैं तीसरा प्रोसेस आपको चाहिए कि और इजी प्रोसेस हो, ना लिखना पड़े, तो एक बार क्लिक कर दीजिए माउस से यहाँ और एक बार क्लिक कर दीजिए शिफ्ट दबा के यहाँ, ठीक है, तो भी आपका ये पूरा रेंज क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। तो जैसे भी आप सिलेक्ट करके जैसे यहाँ इंटर प्रेस करेंगे या डाउन एरो से इस सेल से बाहर निकलेंगे, कर्सर को बाहर निकालेंगे, आपको रिजल्ट यहाँ पे दे देगा। कितना रिजल्ट होगा, तो इसमें टोटल आपको कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये टेक्स्ट को नहीं काउंट करेगा, सिर्फ किसको काउंट करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। टोटल नंबर इसके सेल में कितने हैं, 5 हैं। तो काउंट सीरीज का ये आपको टोटल 5 फॉर्मूलाज में से एक पहला फॉर्मूला था आपका काउंट, ठीक है। एक काउंट फॉर्मूला किसको काउंट करता है, काउंट ओनली नंबर्स, ये सिर्फ नंबर को आपको काउंट करता है। ये समझ में आ गया होगा, आप इसे लिख लेंगे। अब चलते हैं हम दूसरे की ओर, ठीक। और ये भी समझ गए होंगे कि यहाँ से यहाँ तक भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ किसी भी बीच में निकाल, किसी भी पार्टिकुलर आप निकाल सकते हैं यदि आप सेल का। और यदि मानते हैं इस वीडियो को आप देख रहे हैं, आप न्यू हैं, तो आप हमारे बाकी सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, इस चैनल से जुड़ करके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और यदि आपको कहीं पर दिक्कत हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बता सकते हैं कि हाँ यहाँ पे इस तरह से क्लासेस हैं, आप यहाँ पे ज्वाइन हो सकते हैं। इसका आपका कोई चार्ज नहीं है, यूट्यूब पे आपका कोई चार्ज नहीं है इस चीज़ का, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे जितना चाहें लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि अभी लॉकडाउन के माहौल में अभी अच्छे अच्छे आपको मिल सकते हैं पढ़ाई, लेकिन ऐसा आपको बहुत कम जगहों पर मिल रहा है जहाँ पर आपको कंटिन्यू क्लासेस की तरह जो एक घंटा या 45 मिनट का आपको बैचेज को मिल पाते हैं। तो चलिए इसको आप लोग मिसिंग ना करते हुए, और एक बार ना समझ में आए 2 बार 3 बार कीजिए, और ये नहीं सोचना कि मेरे पास सर लैपटॉप नहीं, कंप्यूटर नहीं, क्या पढ़ के काम करेंगे, लेकिन ये कभी ना कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है। इसीलिए आपके पास सिस्टम हो या ना हो, कम से कम फॉर्मूलाज को आप लोग याद रखें, वेटर होगा, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं कि इसके बनाने के बाद अब दूसरा फॉर्मूलाज है हमारे काउंट ए, ठीक है ना। तो चलिए हम सेकेंड स्लाइड पे चलते हैं काउंट ए फॉर्मूलाज की ओर। चलिए हम चलते हैं काउंट सीरीज के दूसरे फॉर्मूलाज की ओर। तो काउंट सीरीज के दूसरे फॉर्मूलाज में ए देख रहे हैं कि काउंट सीरीज काउंट ए दूसरे पहला काउंट था। काउंट मतलब गिनना, एक किसे गिनता है, सिर्फ सेलों के नंबर्स को गिनता है, ठीक है ना। यानी जो भी आपको नंबर्स में वैल्यू है 8, 10, 15, 12, 18 सिर्फ उसे काउंट करता है। और ये जो वैल्यू है अगर आप सच्चाई में लिखे तो नंबर एंड टेक्स 2, 4, 6, 8 ABCD राम श्याम मोहन जो भी लिखेंगे वो सारे चीज को काउंट करेगा, ठीक है। जैसे मानते हैं कि अभी हमने काउंट सीरीज का फॉर्मूला लगाया था काउंट, यहाँ पर हम लगा देंगे काउंटा। कहीं पर कोई कोई लोग काउंटा कहते हैं, कुछ कुछ लोग काउंट ए के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं इज इक्वल टू काउंट ए, ठीक है, इज इक्वल टू काउंट ए, छोटी कोष्ट लगाना है आपको। और यहाँ पे करना क्या है, छोटी कोष्ट लगाने के बाद आपको बस सेल को सिलेक्टेड करना है, ठीक है। ये हमने छोटी सी डाटा बनाई है, लेकिन आप बड़े बड़े डाटा पे इसका यूजेज कर सकते हैं, ये सिर्फ बताने के पर्पज से है। लेकिन ये क्लासेस के बाद 2-3 महीने की क्लासेस के बाद जो है ये आपको लगभग सारी चीज़ समझ में आ जाएगी।
और आपको 15 दिन 20 दिन के बाद से सारे चीज का वैल्यूएशन मतलब टेबल वगैरह बनाना भी सिखाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी टेबल सिखाना है, रो वगैरह सिखाना है, डाटा वगैरह को सिखाना है, सारे चीज को भी सिखाने हैं। तो आप एक एक चीज सारे बार सीरियल वाइज अगर आप देखते जाएंगे तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। 2 बार 3 बार 4 बार जितने जितने ज्यादा आप देख सकते हैं उतने ज्यादा दिक्कत समझ में आ जाएगी। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप नए इस चैनल से जुड़े हुए हैं, बाई चांस आप देख रहे हो, तो आप इसको पिछले लेक्चर्स को जोड़ करके देखें, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, काउंट आपको नंबर्स को काउंट करना था पिछले बार, 1 2 3 4 5, है ना, पिछले स्लाइड में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम एक फॉर्मूला लगाते हैं कि A1, ठीक है, यानी कि आपको यहाँ A से वैल्यू है, यहाँ देते हैं A1 अनुपात, इंड वैल्यू आपको कौन है, D3। चलिए ले लेते हैं D3, और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप इसी को ले, आप ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है ना। आप फॉर्मूलाज को कैसे टाइप करेंगे तो भी हमने बताया, आप जो फॉर्मूलाज को टाइप कर सकते हैं यहाँ पे लिख करके भी टाइप कर सकते हैं, माउस से क्लिक करके भी कर सकते हैं, या एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए फिर शिफ्ट के साथ क्लिक कर दीजिए, जहां तक सिलेक्शन करना आपको सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर टोटल कितने फील है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर आप इस तरीकों से मानते हैं लेके चलेंगे कि चलिए इतना में बताइए, तो ये तो साफ पता चल जाएगा कि 2 है ना। लेकिन अगर कहेगा आपको कि अच्छा बताइए काउंट और काउंट ए फॉर्मूला में क्या अंतर है, तो आप इसको अंतर भी दे सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे YouTube वीडियोज में व्यू वगैरह बढ़ाने के लिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे पॉइंट्स को बस डालते रहते हैं ताकि लोग देखें और देख करके हमारे व्यूवर्स भी बढ़ते जाएं। मैं यहाँ पे हर चीज़ को एक छोटे छोटे पार्ट में ना लेकर के छोटे छोटे पार्ट में वही वीडियोज है हमारे जहाँ पे अटेंडम कोई लोग पूछे हैं, लेकिन जो हमारे सीरियल वाइज जो क्लासेस हैं इस सीरियल वाइज क्लासेस में सारे वीडियोज आपको 30 मिनट+ ही मिलेंगे। यहाँ पे देखिए टोटल आपको कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको 9 आ गए। अगर इतने के बीच में लेंगे आपके 2 हो जाएंगे। लेकिन अगर फॉर्मूला बताएंगे कि अच्छा बताइए काउंट का बताइए, तो काउंट में कितना हो जाएगा, 1। क्यों, क्योंकि काउंट में सिर्फ नंबर काउंट होता है, इसलिए यहाँ पे 1। अगर पूरे सेल का बताइए तो 1 2 3 4 5, यानी कि काउंट फॉर्मूले में टोटल 5 आंसर आएंगे। इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और अब तीसरे फॉर्मूलाज की ओर चलेंगे। ये हमारे थे दूसरे काउंट, ठीक है ना, ये हमारे दूसरा क्या था, काउंट, काउंट ए था, है ना, पहला काउंट दूसरा काउंट ए। तीसरा सीरीज का हमारा फॉर्मूलाज है काउंट ब्लैंक। चले यहाँ पे लिखते हैं काउंट ब्लैंक, काउंट ब्लैंक, ये आपके तीसरे नंबर पे फॉर्मूला आ जाते हैं काउंट सीरीज के, काउंट ब्लैंक। ये क्या करता है, ऐड या काउंट लिख सकते हैं, काउंट दी ब्लैंक सेल, ठीक है ना, काउंट दे ब्लैंक सेल, यानी कि खाली सेलों को गिन करके बताएगा। अब मानते हैं कि यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देते हैं, इसको मिटा देते हैं, फॉर्मूला लगाते काउंट ब्लैंक, ठीक है, इक्वल टू काउंट ब्लैंक लिखेगा, छोटी कोट लगाएगा। देखिए सारे फॉर्मूलाज आपको एक्सेल में मिल जाते हैं, बस आप यहाँ पे लिखेगा, काउंट करेगा, आपको जोड़ करके बता देगा। अब यहाँ पे करना क्या है आपको कि काउंट ब्लैंक फॉर्मूलाज में आपको यहाँ से A1 अनुपात D3, और हम बार बार बता रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है आप पूरा को लें, लेकिन अगर पूरा को लेंगे आप कोई दिक्कत नहीं है, आप बना सकते हैं। चलिए तो इसको जितनी जल्दी से जल्दी बता सकते हैं, काउंट ब्लैंक, इसमें टोटल कितने सेल ब्लैंक है, टोटल कितने खाली हैं, बिल्कुल जी 3 खाली हैं, 1 2 3, ये आपका रिजल्ट आ गया 3। लेकिन जैसे ही अगर हम यहाँ पे फिल कर देंगे 16, यहाँ पे सेल कितने बताएगा, 2 बताएगा। जैसे ही यहाँ पे फिल कर देंगे 10, यहाँ पे कितने बता देगा, 1 बताएगा। अगर यहाँ पे फिल कर देंगे राजू, यहाँ पे कितने हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आप फिल करते जाएंगे
तो अकाउंट कम करते जाएगा, अगर इसको हटाते जाएंगे अकाउंट को बढ़ाते जाएगा, है ना। जैसे मानते हैं यहाँ से हम राम को डिलीट कर दिए, राजू को, ए हमारा एक सेल खाली हो गया। अगर मानते हैं यहाँ से सूरज को हटा दिए तो यहाँ से हमारा दो सेल खाली हो गया। इस प्रकार से जब एक बार आपने फॉर्मूलाज को लगा दिया है तो बार बार आपको लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको बताते जाएगा। चलिए, तो ए आपको कौन से फॉर्मूलाज थे आपके, तो ए फॉर्मूला आपके थे काउंट ब्लैंक फॉर्मूला, जो कि तीसरे हैं। अब हम चलते हैं चौथे फॉर्मूला के लिए, और चौथे फॉर्मूलाज के लिए थोड़ी सी हम सीट को बना लेते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये देख सकते हैं आपका नेक्स्ट जो चौथा फॉर्मूलाज है काउंट के, वो थे काउंट इफ। यदि काउंट इफ की तुलना यदि हम सम इफ से करें तो याद कीजिए कि सम सीरीज में भी आपको सम इफ और सम इफ्स पढ़ने को मिले थे, उसी प्रकार से आपको काउंट इफ फॉर्मूला में भी काउंट इफ्स और काउंट इफ पढ़ने को मिलेंगे। सम इफ में क्या होता था कि किसी एक प्रोडक्ट को निकालने के लिए उसके जो भी प्रोडक्ट होते थे उन सभी की वैल्यू एक बार में निकल जाते थे। जैसे मानते हैं सैमसंग हो, लावा हो, नोकिया कंपनी हो, वो नोकिया का चार्जर्स भी होते हैं, टीवी है, मोबाइल से हैं, तो अगर उनको टोटल प्रोडक्ट निकालने हैं, सेल टोटल को निकालने हैं, तो आप एक बार में सम इफ से निकाल सकते हैं। और सम इफ में क्या होता है कि आउट डिफाइंड वो कर देता है कि अगर सैमसंग का क्या है, टीवी है, चार्जर है, आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो चार्जर्स की। तो इसी प्रकार से यहाँ काउंट इफ भी निकाल सकता है कि मानते हैं कि किन की परसेंटेज ज़्यादा है, कौन सबसे ज़्यादा काम किए हैं, कौन 3 दिन से ऊपर काम किए हैं, कौन 3 दिन से नीचे काम किए हैं, सारे चीज़ को ये बता सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल आप निकाल सकते हैं, टोटल वर्किंग डेज भी आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए हम आपको एक सीट बनाए हैं और उन सीट पर बेहतर ढंग से डिजाइन किए हैं और उस पर आज हम आपको बताने वाले हैं। वह सीट को आगे चलकर हम बनाने के लिए भी बताएंगे, लेकिन इतनी अभी समय नहीं कि आपको बनाने के लिए सिखाया जाए। आप उसको चाहें तो खुद से बना सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है आप शुरू से पढ़ें तो। अभी सिर्फ हम फॉर्मूलाज को लेकर चल रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो मेरे बहुत सारे एमएस वर्ड का वीडियोज है, पेज लेआउट वगैरह हैं, वो सारे चीज़ को आप देख सकते हैं, नोटपैड है वो आप देख सकते हैं, पेंट वगैरह देख सकते हैं, उससे थोड़ी बहुत आपको आइडिया हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमने एक सीट बनाया कि सैलरी अटेंडेंस सीट इन वर्कर, वर्कर जो काम करते हैं उनके जो सैलरीज मिलते हैं वो सैलरी किसके अनुसार मिलते हैं, अटेंडेंस के अनुसार। कुछ कुछ लोगों को मंथली मिलते हैं कि चाहे वो आए या ना आए इतने फिक्स है, लेकिन कुछ कुछ वर्कर्स ऐसे होते हैं जिनको पर डे के हिसाब से मिलता है। तो पर डे के हिसाब से निकालने के लिए, या यदि आप स्टूडेंट का भी अनुपस्थिति निकालना हो कि 75% से ज़्यादा रहेगा उन्हीं को छात्रवृत्ति वगैरह देना है, 70% उन्हीं को छात्रवृत्ति देना है, तो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसकी प्रोसेस थोड़ी सी और बढ़ेगी। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है कि ए हमारा रोल नंबर दिया हुआ है, ए हमारा कॉलम नंबर दिया हुआ है, ये आपको समझनी है, बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है। ए 1M C 2C 3W ये सब लिखा हुआ है, ये आपको डेट और डे का नाम लिखा हुआ। जैसे मानते हैं अगर संयोग से 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार, 3 तारीख को बुधवार, 4 तारीख को बृहस्पतिवार, 5 तारीख को शुक्रवार, 6 तारीख को शनिवार और 7 तारीख को रविवार होंगे। अब यहाँ पे राम को निकालने की, राम टोटल कितने दिन काम किया है, एक हफ्ता में जो वीकली जो अटेंडेंस बन रहा है वो एक हफ्ता में टोटल कितने दिन काम किया है, तो इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाने इज इक्वल टू, और जैसे ही काउंट सीरीज में आप लिखेंगे आपको फॉर्मूला टोटल के टोटल दिख जाएंगे। आपको क्या चुनना है, काउंट इफ। आप सम इफ देखेंगे तो काउंट इफ बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो लोग काउंट इफ फॉर्मूला पहले बार देख रहे हैं और सम इफ फॉर्मूला को देख ले यदि नहीं समझ में आता है तो यहाँ पे लगाते इज इक्वल टू COUNT काउंट इफ, ठीक है ना। और हमारे सारे लेक्चर्स लैब प्लस थ्योरी दोनों में चलते हैं। पहले हम बोर्ड पे आपको लैब के थ्योरी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं, इसके बाद आपको लैब में भी सारे चीज को कर करके दिखा देते हैं। तो आपको दोनों तरह से दिखाने का मतलब है कि आपको 2 बार 3 बार रिपीट भी हो जाते हैं, प्लस लैब प्लस थ्योरी दोनों में साक्षात देखने को भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे काउंट इफ छोटी कोष्ठ लगाना है
और छोटी कोस्ट लगाने के बाद आपको क्या करने हैं, आपको सेल को सिलेक्शन करना है। यदि आप यहाँ से लेके यहाँ तक रेंज लेंगे तो आपको टोटल 28 दिन एक महीने का निकल जाएगा, तो ये सारे पर्संस का नहीं निकलेगा। लेकिन हमको सिर्फ एक एक पर्सन का यहाँ पे बना हुआ है ना, वीकली बना हुआ है, इसीलिए हमको यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या करना है, सिलेक्शन करना है। तो आपका वैल्यू कहाँ से है आपका, तो वैल्यू बी और वन है ना, ए से नहीं लेना है क्योंकि ये आपका नाम का है, आपको लेना है बी से। तो यहाँ लिखेंगे बी वन। अब कंटिन्यू करने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, अनुपात। आप यहाँ अनुपात लगा दीजिए। और हमने ये भी बताया है कि आप इसको कंटिन्यू सिलेक्शन करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बार बार ड्रैग करें, आप डायरेक्ट हाथ से टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड से, आप डायरेक्ट माउस से ड्रैग करके ले सकते हैं, या एक बार यहाँ क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट के साथ यहाँ क्लिक कर दीजिए, टोटल सिलेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे तरीके हैं ना। तो क्या हो गया आपको, बी वन अनुपात। लास्ट कौन है आपका, सेवन है, सेवन नहीं है आपका, एच है, कॉलम एच है, एच वन आप ले लीजिए, एच वन। तो बी वन अनुपात एच वन, यानी कि जैसे ही आप इंटर को प्रेस करेंगे तो काउंट ये फॉर्मूला जाएगा राम वाला वैल्यू में और ये काउंट करेगा, ठीक है ना। लेकिन इतने से काउंट नहीं करेगा, इसको आप बताना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बताने के लिए आप इसको क्या निकलवाना चाहते हैं, एब्सेंट या प्रेजेंट। ए का मतलब अब्सेंट और पी का मतलब प्रेजेंट होता है। आप क्या निकालना चाहते हैं, अब्सेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, लेकिन आपको सैलरी देना है ना, प्रेजेंट पे देंगे। तो यहाँ पे लगाना है आपको कॉमा, एच वन यहाँ पे दे देते हैं हम, एच वन, और यहाँ पे लगाना है कॉमा। एच वन क्यों दिए, क्योंकि यहाँ बी वन से शुरू है हमारा और एच वन तक वैल्यू है इसकी। अब कॉमा लगाने के बाद आपको कौन सी वैल्यू, प्रेजेंट। तो ये एक बात और ध्यान रखिए, एक्सेल में जब भी आप टेक्स्ट का फॉर्मूला बनाएं, एक्सेल में जब भी आप टेक्स्ट का फॉर्मूला बनाएं तो उस टेक्स्ट को इन्वर्टेड कॉमा से शुरू करने हैं और इन्वर्टेड कॉमा से बंद करने हैं, एंड यदि आप डबल कोट से शुरू करते हैं तो डबल कोट आपको बंद भी करने पड़ेंगे, ये टेक्स्ट का नियम है। तो जैसे यहाँ पर हम प्रेजेंट है ना, तो किसी भी पी को ले सकते हैं इसमें से, ऐसा नहीं किसी पर भी क्लिक कर दीजिए, डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, पी लगाना है, बंद कर देना, छोटी को देके इंटर, ठीक है। आपको यहाँ पे कितने दिन काउंट करेगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 दिन क्या है, प्रेजेंट है, ये निकल गया आपको टोटल 7 दिन। इसके बाद मानते हैं श्याम को निकालना है, तो इसी तरह से निकाल दीजिए, श्याम की क्या है बी टू, यहाँ दे देंगे बी टू अनुपात एच टू, तो यहाँ पर हो जाएगा एच टू। और यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू दे देना है आपको डबल कोट से कॉमा लगा करके, इंटर मारे तो कितने दिन है, 1 2, ये तो ऑप्शेंट है, 3 4 5, ये देखिए ये सिर्फ 5 ही दिन प्रेजेंट है, तो 5 दिन के हिसाब से इनको सैलरी मिलेंगे, है ना। अगर मानते हैं इनको लेके चलेंगे तो एब्सेंट ए 1 2 3 4 5, ये भी आपको 5 दिन ही प्रेजेंट हैं, और यह 1 2 3 4 5 6, ये आपको टोटल कितने दिन, 6 दिन प्रेजेंट है। तो ये वीकली के हिसाब से अगर निकाला जाए तो जितने का निकाला जाए आप इसको निकाल सकते हैं प्रेजेंट के अनुसार से, और जो आपको परसेंटेज वैल्यू होते हैं वो परसेंटेज वैल्यू भी इसके निकाल सकते हैं। अब जैसे मानते हैं कि टोटल डेज कितने हैं, 7 हैं, है ना, मानते हैं कि एक सप्ताह में टोटल कितने डेज लिए गए हैं, 7 हैं। अगर मंथ में कोई मंथ अगर 28 दिन का महीना हो, कोई 29 का मंथ हो, 30 का मंथ हो, 31 का मंथ हो, है ना, तो उसको क्या करने हैं कि जो पूर्णांक आप जैसे आप परसेंटेज में मेरे सेल्स में देखे होंगे कि हमने परसेंटेज को सिखाया था, ठीक है, यहाँ पर उस तरीकों से आप इसको भी निकाल सकते हैं। यानी कि आपको टोटल कितने पूर्णांक है, 7 ना, यहाँ पर टोटल 7 दिन का है, 7 डेज का आपको निकालने हैं, तो 7 डेज में आपको कितने दिन कितने परसेंट लोग हैं अटेंडेंस, तो ये निकाल सकते हैं। तो 7 बाई 7, ये आपको पूर्णांक है, ये आपका टोटल हो गया, है ना, टोटल डे बाई टोटल डे, ठीक है ना, टोटल प्रेजेंट डे बाई टोटल आपको डे, यानी कि टोटल कितने दिन थे, 7, और टोटल प्रेजेंट दिन कितने थे, 7, गुने आपको करने हैं 100, ठीक है, यहाँ से यहाँ कट गया, बच गया 100, यानी कि 100% प्रेजेंट है।
अगर मानते हैं कि ये 5 दिन प्रेजेंट है तो टोटल डे ले लीजिए 5, और टोटल आपको ये वर्किंग डे कितना है 5, और पूर्णांक कितने हैं 7, क्योंकि टोटल कितने दिन का हम शिफ्ट निकल रहे हैं 7 का, तो होंगे 7 × 100। अब 100 × 500 यहाँ पे काट दीजिए, तो देखिए 500 में भागा आप दे दीजिए 7 से निकल जाएगा, 7 × 7 = 49, 1 × 10 = 10, 7 × 7 = 7, आपको बचे 3.0 सचों के 28, 2 = 20, 7 × 2 = 14, यानी कि 71.42%। तो इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गए आपको काउंट फॉर्मूला, और सेम यही चीज होता है काउंट इफ्स फॉर्मूला। इफ्स में क्या होता है कि जैसे मानते हैं कि राम श्याम मोहन ये सब दिया गया है नंबर, तो इन सभी वैल्यू में से हमको निकालना है कि कौन कौन का परसेंटेज 50% से ऊपर है, किनका किनका परसेंटेज जो है 75% से ऊपर है। जिनका परसेंटेज जो है 75 से ऊपर रहेगा हम उसे सेलेक्ट करेंगे, और जिनका इतना से कम रहेगा उनको हम नहीं सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हम उसको फॉर्मूला लिख के आपको दिखा दे रहे हैं। जैसे आपको यहाँ पे काउंट इफ लगाए थे, हम यहाँ पे लगा देंगे काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स लगा देंगे। और ये हमारे मानते हैं कि 8वें सेल का नंबर है एच के बाद आई, और इनका परसेंटेज निकालना है, तो ये पूरे रेंज को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए, I1 से लेकर I आपका क्या हो जाएगा 4 तक। तो यहाँ आपको फॉर्मूलाज हो जाएंगे परसेंटेज, और इसको हम शीट पर अभी तुरंत चल के दिखा रहे हैं, ठीक है। I1 = I7, ठीक है ना। अब यहाँ पर दे दीजिएगा ग्रेटर देन, और इसके बाद आपको दे देना है 60%, 70%, जो भी आपको लेने हैं आप इस प्रकार से इसको ले सकते हैं, आप इसको यहाँ पे कर सकते हैं। तो बहुत ही इजीली फे में आपका सारे फॉर्मूलाज आपके निकल जाते हैं। तो ये सारे काउंट के फॉर्मूलाज थे, काउंट इफ्स, काउंट इफ, ये सारे चीज हमने बता दिए। ये 5वां फॉर्मूला आपका था काउंट इफ का, ठीक है, जो काउंट इफ पर ही काउंट इफ्स को हमने समझाया। अब जो चीज यहाँ पे समझ में नहीं आया होगा वो सारे चीज को चलिए अब हम लैब में समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये सारे चीज को काउंट फॉर्मूलाज को आपको सारे चीज एक अटेंडेंस शीट के माध्यम से परसेंटेज वगैरह निकाल करके सारे चीज को हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं। बस आप ध्यान से अब लैब में सारे चीज को आप एक एक कर ध्यान से समझेंगे, क्योंकि सारे चीज को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक कर समझाने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं लैब की ओर। तो चलिए देखिए यहाँ पर हमने अटेंडेंस शीट को तैयार किया है। इस अटेंडेंस शीट में अगर आप देख रहे होंगे आपको दिखाई नहीं पड़ रहे होंगे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ी सी मैग्नीफायर की सहायता से सारी चीज़ को एक एक कर दिखाएंगे। और ये सारे जो हमने शीट को बनाया है, ये सारे शीट को हम एक एक कर आपको बनाने के लिए भी सिखाएंगे। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, थोड़ी सी मौका आपको देनी होगी बताने के लिए, सिखाने के लिए, ठीक है। और सारे चीज़ को हम एक एक कर आपको समझाएंगे। यहाँ पर देखिए सारे फॉर्मूलाज को हम यहाँ पर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या क्या हमारे पास दिए गए हैं। हम यहाँ पे मैग्नीफायर की सहायता से आपको यहाँ पर थोड़े जूम करके पहले सारे शीट को दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपको अब यहाँ पर देखिए सारे चीज को सबसे ऊपर में हमने नाम दिया था, ये हमारा टेस्ट है, इसको थोड़ी मिनिमाइज कर लेते हैं डबल क्लिक करके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पर हम दो सेलों को एक साथ मर्ज करके यहाँ पे हमने स्टूडेंट डिटेल्स को लिखा है। इसके बाद ये हमारे हैं डे और ये हैं डेट हमारे, डे 1, 2, 3, 4 इस तरीके से कंटिन्यू आपको जो है कि मार्च महीने का अगर हमने निकाला है तो मार्च महीने में 31 दिन का मंथ होता है। ये देखिए आपको टोटल 31 दिन का यहाँ पे मंथ है, टोटल डे आपको कितना है 31। सबसे पहले जो हमने हेडिंग को दिया था, ये हेडिंग हमारा अटेंडेंस डिटेल्स, ठीक है, अटेंडेंस डिटेल। अब जिसका भी हो, अगर स्टूडेंट का हो तो स्टूडेंट का, वर्कर्स क्यों हो तो वर्कर्स लोग का, ठीक है। तो ये जनरली स्टूडेंट के पर्पज से बनाया गया है। इसमें आपको देखिए सरनेम में आपका जो है लाल रंग इंडिकेट कर रहा है, एच का मतलब होलीडे, टी का मतलब प्रेजेंट, और ए का मतलब होता है एब्सेंट, यानी कि अनुपस्थित है तो एब्सेंट, प्रेजेंट है तो उपस्थित है तो प्रेजेंट, और जिस दिन छुट्टी है आपको क्या लगा हुआ एच।
तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पे एक कर हम सारे चीज को दिखा रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे इस तरीकों से कंटिन्यू ये आपका सीट बना हुआ है, तो बड़े करके दिखाने का पर्पस है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का डिटेल देखिए, जैसे इस प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं, इस प्रकार से स्टूडेंट का डिटेल्स हमने यहाँ पे लिया है। तो इस प्रकार से आपको बहुत सारे देखिए स्टूडेंट का डिटेल्स हमने लिया है, लगभग आपको 28 से उन जो है स्टूडेंट का डिटेल्स हैं, 28 या 25 होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इन सभी का हम एज निकाल करके आपको दिखाएंगे कि सारे चीज़ क्या होते हैं। सबसे पहले हम ये दिखाने के बाद आपको काउंट फॉर्मूले को लेकर चलते हैं, और यहाँ पे किसी फॉर्मूलाज को हम यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं काउंट फॉर्मूले की ओर, और चलते हैं शीट 3 पे, और यहाँ पे आपको हम पहले दिखाएंगे काउंट फॉर्मूले से, यानी कि काउंट सीरीज में आपको टोटल कितने फॉर्मूलाज हैं, और सारे फॉर्मूलाज को एक एक कर हम देखेंगे। पहला आपको है काउंट, पहला आपका है CUNT काउंट, काउंट सेकेंड है आपका काउंट इफ, काउंट इफ थर्ड है आपका काउंट ओह काउंट इफ नहीं काउंट ए CUNT काउंट ए, फिर है काउंट इफ, काउंट इफ नहीं काउंट ब्लैंक, एनके ब्लैंक, और आपका है काउंट इफ और काउंट इफ्स, ठीक है। चलिए तो पहला आपको काउंट इफ काउंट एस लगाया है। अब यहाँ पे देखिए, अगर मानते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नंबर आपको टाइप करके दिखा रहे हैं, 25 30 राम श्याम थर्टी फाइव सिक्सटी राधा। चलिए देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने कुछ डाला है यहाँ पे लिस्ट वगैरह में। अब यहाँ पे हम आपको काउंट और काउंटर के बारे में दिखाते हैं। यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाते हैं काउंट, ठीक है, CUNT काउंट। आपको काउंट फॉर्मूला अब लगाकर दिखाते हैं, इज इक्वल टू CO। जैसे ही आप CO टाइप करेंगे, देखिए काउंट सीरीज का आपको टोटल फॉर्मूला यहाँ पे दिख जाएंगे, यानी कि CUNT, ठीक है, काउंट। तो काउंट में देखिए आपका टोटल फॉर्मूला क्या दिखा है, पहला काउंट है, फिर है काउंट ए, काउंट ब्लैंक, काउंट इफ एंड काउंट इफ्स है। इसमें हम पहला फॉर्मूलाज काउंट को लेके चलेंगे और टैब लगाएंगे या छोटी कोश को प्रेस करेंगे। अब यहाँ कहता है वैल्यू, तो वैल्यू यानी कि रेंज को आप सिलेक्शन करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और फिर से यहाँ पर कर्सर ले जाके लेफ्ट क्लिक की सहायता से देखिए हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा सेल सिलेक्ट हो जा रहा है। दूसरा तरीका है कि एक बार यहाँ पर क्लिक कर दीजिए, शिफ्ट बटन को प्रेस करके आप यहाँ तक क्लिक करेंगे, जहाँ तक सिलेक्शन करना आपको सिलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे रेंज आ गया। अब बताइए कि यहाँ पे काउंट में टोटल कितने वैल्यू आएंगे। तो हमने बताया था कि काउंट में अगर आप कोई किसी चीज़ को काउंट करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर को काउंट करेंगे। यहाँ पर इस सेल के अंदर का जो आपको सिलेक्ट है सेल, इस सिलेक्टेड सेल के अंदर आपको टोटल 4 नंबर्स हैं, 1 2 3 4। आपको देखते हैं वैल्यू क्या देता है। देखिए आपका वैल्यू क्या आया, 4 आया। इसी प्रकार से अगर मान के चलते हैं कि फॉर्मूला लगाते CUNT, और यहाँ पर अगर आप इस वैल्यू को सिर्फ सिलेक्शन करेंगे तो आपको सिर्फ इसी वैल्यू के अंतर्गत जो है देगा, तो आपको यहाँ पर रिजल्ट कितना आ जाएंगे, 3 हो जाएंगे। और लेकिन जो काउंट ए फॉर्मूला है इसको देखते हैं, तो क्या होता है कि टेस्ट को दोनों को काउंट करेगा, काउंट ए, ठीक है, काउंट ए जो फॉर्मूलाज हैं ये आपको दोनों को काउंट करेंगे। यानी कि देखिए यहाँ पर जो 3 काउंट किया या 4 भी काउंट किया था, वो क्या हुआ था कि यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, जबकि काउंट ए फॉर्मूला जो है ये सारे टेक्स्ट को भी काउंट करके दिखाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम चलते हैं काउंट ए फॉर्मूलाज की ओर।
तो यहाँ पे चलते हैं काउंट ए फॉर्मूलाज की ओर। चलिए, इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट, क्या था, काउंट ए, ठीक है ना, काउंट ए, और यहाँ से हमने सिलेक्ट किया छोटी कोष दे करके, और यहाँ से पूरे वैल्यू को हम सिलेक्ट करते हैं। जैसे हमने वैल्यू को सिलेक्शन किया, यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट आएगा, तो आपको टोटल वैल्यू कितने हैं इस सेल के अंदर में, तो आपको 3 और 3 6 7, देखिए वैल्यू आपको क्या देता है रिजल्ट, ये देखिए आपको कितना आ गया 7, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको आप कर करके आप एक एक चीज़ को देख सकते हैं कि काउंट ए फॉर्मूला और काउंट ए काउंट में क्या अंतर है। और अब हम चलते हैं काउंट ब्लैंक की ओर। एक किसी फॉर्मूले की वजह से 0 आया है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर सिर्फ इसी सिलेक्शन किया है, जबकि ए आपको वैल्यू में नहीं आता है। अगर इसको सही वैल्यू करेंगे, फिर से हम करके दिखाते हैं टोटल को। ए देखिए पूरा को हमने सिलेक्शन किया, और देखिए इंटर को प्रेस किया, आपको देखिए यहाँ पे काउंट फॉर्मूला में 4 देता है, जबकि काउंटा में 7, यानी कि इससे यह तात्पर्य होता है कि टोटल को एक बार में काउंट करके देता है। यहाँ पर हम निकालते हैं काउंट ब्लैंक को, सी ओ यू एन टी काउंट ब्लैंक, ठीक है, काउंट ब्लैंक। यहाँ पे फॉर्मूलेट को टाइप करते इक्वल टू काउंट ब्लैंक, ठीक है, तीसरे फॉर्मूला जाए डबल क्लिक करके या टैब को प्रेस करके ले लेंगे, और यहाँ से सेल को सिलेक्शन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसके अंदर टोटल कितने सेल खाली हैं, तो देखिए गिन सकते हैं 1 2 3 और 4, और ये क्या हो गया 5। देखते हैं रिजल्ट क्या देता है, क्योंकि 5 सेल टोटल खाली हैं। देखिए काउंट ब्लैंक आपको 5 सेल्स को दिखा दिया। तो आपने यहाँ पर ये देखा कि काउंट सीरीज के अंदर में जो फॉर्मूलाज थे, काउंट मतलब गिनना हुआ, काउंट ए जो है कि आपको नंबर टेक्स्ट दोनों को काउंट करेगा, जबकि काउंट सिर्फ नंबर को काउंट करेगा, काउंट ब्लैंक जो है कि जितने सेल खाली होंगे सेलेक्टेड द एरिया के अंदर में, जितने भी सेल खाली होंगे उसे ए दर्शाएगा। और अब हम चलते हैं तीसरे चौथे फॉर्मूला की ओर, वो है हमारा काउंट इफ। और काउंट इफ के लिए हमने एक अटेंडेंस सेट को जो सेल सरियाया है, हम इसी के ऊपर आपको सारे चीज़ को बताएंगे, देखिए, ठीक है। आप भी इस प्रकार से पूरे लिस्ट को बनाएंगे, कितने दिन कौन कौन लोग प्रेजेंट हैं, यहाँ पर देखिए आपको टोटल कितने, एक जो है बीच में आपको एच है यानी कि छुट्टी है, आपका टोटल 31 दिन का मंथ होता है, लेकिन टोटल जो वर्किंग डे होता है वो कितने दिन का होता है, देखिए यहाँ पर आगे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो टोटल जो क्लास होता है वो आपको क्या होता है कि 31 में से आपका होलीडे क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो आपको निकल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ऐसा करते हैं कि होलीडे को हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर होलीडे का कितना है, यानी कि आपका होलीडे, तो यहाँ पे होलीडे निकालेंगे इज इक्वल टू काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स। और यहाँ पे सबसे पहले कहता है रेंज, आप यहाँ से शुरू से लेकर के अंत तक का रेंज को ले लीजिए, पूरी रेंज को ले लेना है, देखिए ध्यान से एकदम, ये आपका जो हो गया पूरी रेंज को यहाँ से ले लेना है, लेकिन ए रेंज आपका उल्टा हो चुका है, क्योंकि आपको 1 से नहीं ए पी वाला आपको वैल्यू को लेना है। देखिए ध्यान से ए आपको एब्सेंट प्रेजेंट का वैल्यू लेना, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज में आपको क्या लगाने हैं, देखिए आपको यहाँ पे टोटल फॉर्मूलाज आपको दिखाने की हम कोशिश भी करेंगे साथ साथ में, ठीक है। देखिए ये आपको काउंट फॉर्मूलाज हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, रेंज के बाद आपको लगाने हैं कॉमा, और कॉमा के बाद कहता है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया का मतलब होलीडे निकालना है ना, तो यहाँ पे सेल में जाइए, किसी भी होलीडे पे क्लिक कर दीजिए, यानी कि आपको इंटर जैसे ही मारेंगे बता देगा कि एक महीना में टोटल कितने होलीडे हैं, 4 होलीडे हैं, है ना। तो कितने दिन क्लास चलेंगे इस मंथ में, तो 31 में से 4 जाएगा, यानी कि घटा दीजिए, इक्वल टू टोटल मंथ माइनस होलीडे, है ना, और इंटर प्रेस करेंगे। आपको टोटल कितने दिन वर्क हुए हैं इस मंथ में, 27। अब चलिए यहाँ पर जाकर के नीचे ड्रैग कर देंगे, आपको टोटल यहाँ पे 27 आपके प्रेजेंट हो जाएंगे, ठीक है, टोटल ए प्रेजेंट हो गया आपको, और यहाँ पर ए टोटल प्रेजेंट ए जो है इसको भी यहाँ से कर देना है ड्रैग, ठीक है, सबको ड्रैग कर दीजिए, वैल्यू अपने आप यहाँ पे आए दिख जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ले लिए, यहाँ पे कुछ नहीं होगा, इसीलिए आपको यहाँ पे 31 नहीं होगा, ठीक है,
यहाँ पे कहीं पे आपको वर्किंग डे में मिसिंग होगा, हॉलीडे में देखिए यहाँ पे जीरो है, इसीलिए यहाँ पर जो है आपको फोर डालने होंगे। जैसे ही आपको फोर को यहाँ प्रेस करेंगे ये वर्किंग अपने आप ले लेगा। चलिए अब हम इस सेल को थोड़ी सी छोटा करके जो है आपको दिखाते हैं, क्योंकि काफ़ी हाई होने के कारण आपको भी थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ रही होगी। चलिए अब चलते हैं, हम यहाँ से निकालते हैं टोटल आपको सारे चीज़ को। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ प्रेजेंट, चलिए तो जूम कर करके हम सारे चीज़ को यहाँ पे दिखाएंगे, उसके बाद सारे करके जूम को हटाएंगे। देखिए प्रेजेंट डे है ना, टोटल कितने दिन प्रेजेंट हैं, तो यहाँ पे प्रेजेंट के लिए हमको देखिए काउंट टिप की मदद से टोटल अटेंडेंस के साथ साथ हम पूरे काउंट करके भी निकाल रहे हैं आप लोगों को और दिखा रहे हैं कि कितने दिन कौन कौन पर्सन प्रेजेंट हैं। ध्यान से देखिएगा इन सारे चीज़ को, जैसे जैसे देख रहे हैं देखिए सारे चीज़ को यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। देखिए सारे चीज़ को यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है, आप यहाँ से इसको देख सकते हैं। देखिए ये आपको पहला है पूर्णिमा मिश्रा, पूर्णिमा मिश्रा जी का जो आपका अटेंडेंस है ये कितने दिन का है यहाँ पे चले देख लेते हैं, निकालते हैं यहाँ पे वैल्यू हम लोग निकालते हैं। और सेल थोड़ी सी बड़ी के कारण आप लोग को कम दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करके दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ पे हम प्रेजेंट डे को निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाते हैं काउंट का, ठीक है। तो इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट आई एफ काउंट इफ, ठीक है। ध्यान से थोड़ी बहुत देखिएगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए यहाँ पे काउंट इफ, और एक चीज और मानते हैं कि यदि ये पता नहीं चल रहा होगा तो आप इसको एक बार याद कर लीजिए कि हमारा सेल नंबर क्या है, वहां से यहाँ तक आप ड्रैग कर देंगे निकल जाएगा, ठीक है। और वैसे भी अगर आप एक बार सही से फॉर्मूला निकाल दीजिएगा तो दूसरे बार से आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने लिखा काउंट इफ, अब देंगे छोटी कोष्ट और यहाँ पे कहता है रेंज, ठीक है ना। तो रेंज आपका कौन सा है, आपको टोटल ये प्रेजेंट और एब्सेंट वाला रेंज है, तो यहाँ पर से हम टोटल को लेकर के चलेंगे। चलिए यहाँ से हमने टोटल लेकर के चला कि कितने दिन कौन प्रेजेंट है, ये हमने वैल्यू को सिलेक्शन किया, ठीक है। इसके बाद कहता है आपको क्राइटेरिया, कॉमा देने के बाद देखिए कॉमा है, कॉमा के बाद कहता है क्राइटेरिया, यानी कि इनका आप क्या निकालना चाहते हैं, एब्सेंट निकालना चाहते हैं, प्रेजेंट निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप क्या निकालना चाहते हैं, एब्सेंट या प्रेजेंट, तो हम यहाँ पे लिखे थे प्रेजेंट, इसलिए यहाँ पे कॉमा के बाद हमें पी वाली वैल्यू को सिलेक्शन करना है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप शुरू वाला सिलेक्ट करें, कहीं से भी सिलेक्ट कर सकते हैं आपका निकल जाएगा। देखते हैं इनका परसेंटेज कितना है, देखिए 27 डेज, यानी कि पूरा में पूरा दिन है प्रेजेंट है ना। चले एक को फिर से और निकाल के दिखाते हैं, उसके बाद हम ड्रैग करेंगे वैल्यू हमारा अपने आप आ जाएगा। इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट और लगाएंगे आई एफ इफ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ रेंज, तो रेंज कौन सा लेंगे, तो हम जो डेली का जो रेंज है अटेंडेंस का परसेंटेज वाला उसको लेकर चलेंगे। चले दूसरा का निकाल रहे हैं, इसलिए हम लोग को सेकेंड वाले को वैल्यू को सिलेक्शन करने हैं। यहाँ पे वैल्यू थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, यहाँ पे देखिए आपको उल्टा निकल गया है, ठीक है। ये आपका जो 27 है डेट की वैल्यू है, इसलिए यहाँ पर उल्टा निकल चुका है। इस वैल्यू को हम यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं ऐसे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम सेकेंड फॉर्मूले आपको दो तीन आपको सारे चीज निकाल देते हैं, सारे स्टूडेंट के डिटेल्स वगैरह आपको सारे चीज दिए गए हैं, आप सारे चीज को यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको और छोटा कर दें तो देखिए यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आपको एक बार में सारे चीज यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन ये आपको ध्यान से देखने होंगे। आपको शायद थोड़ी बहुत समझ में आ रही होगी, लेकिन छोटी के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देखिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे फॉर्मूले को हम निकाल के दिखाते हैं। इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी, आप जो बोल रहे हैं इसको ध्यान से समझिएगा, सी ओ यू एन टी काउंट, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज को दिखा रहे हैं, सी ओ यू एन टी काउंट,
और इसके बाद लिखना आई ए पे और छोटी को देना काउंट ए। इसके बाद आपको जो प्रेजेंट जो सेल है जहां पर आपको अटेंडेंस दिया गया, इस अटेंडेंस वाले सेल को आपको यहां से यहां तक सिलेक्टेड करने हैं। तो चलिए इसको थोड़ी से हम बड़ा को कर देते हैं, ठीक है। देखिए आपको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रहे हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम बड़ा में हो रही है। तो काउंट इफ यहाँ पर लगाया, काउंट इफ के बाद आपको करने क्या है कि आपको यहाँ से टोटल को वैल्यू को सिलेक्टेड करना है। तो चलिए यहाँ से लेकर के हम यहाँ तक के सारे वैल्यू को एक से लेकर के 31 डेट तक को सिलेक्शन करना। देखिए यहाँ तक को आपको अलग से कोई सेल सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। ए सेल को सिलेक्शन करने के बाद आपको क्या करने हैं कि लगाने हैं कॉमा, ठीक है। देखिए आपको यहाँ पे वैल्यू आपको सबसे ऊपर में दिख रहा है, आपको लगाने हैं कॉमा, ठीक है। कॉमा को लगाने के बाद आपको करने क्या है कि यहाँ पर आपको सेल को सिलेक्शन करने हैं कि वैल्यू क्या निकालना है। इसमें से हमें पी निकालना है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू निकालना है। हम प्रेजेंट वैल्यू को सिलेक्टेड करेंगे। देखिए यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू हमारा सिलेक्ट हो चुका है। और यदि आप हाथ से टाइप करना चाहते हैं तो आपको डबल कोस्ट के अंदर में हाथ से टाइप करने होंगे। वो कैसे, चलिए हम आगे दिखाते हैं। जैसे इंटर प्रेस करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे वैल्यू आपको दिख गया होगा। ए कितने दिन आपको प्रेजेंट है, 22 दिन, ठीक है ना। ए 27 में, 27 से 27 में 22 दिन। ए कौन है आपके, यहाँ पे देखते हैं क्या नाम है, मानसी कुमारी, ठीक है। ये आपको 27 में 22 दिन आपके प्रेजेंट हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपको देखते हैं मोनी कुमारी, सुजंत कुमार, इस तरीके से सारे हैं। तो सारे को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है, बहुत सारे स्टूडेंट का डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है। हम यहाँ पे ड्रैग करके आपको दिखा देंगे। यहाँ पर चलिए नेक्स्ट हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। चल यहाँ पर अगर आप याद रखेंगे तो भी आप इसको आसानी से निकाल सकते। देखिए ये आपका जो सेल है, ये तीसरे नंबर का सेल यहाँ पर आपका हो गया C9, ठीक है। ये C9 और इंड सेल आपका कौन सा हो जाता है, C9 और तीसरे में हो जाएगा ये आपका C9 और ये आपका हो जाएगा AG है, ठीक है ना। C9 और ये आपका हो गया AG, ठीक है, AG9 याद रखिएगा, C9 और यहाँ पर चलते हैं देखने AG9। तो चलिए आप इसको डायरेक्ट अगर आप टाइप करेंगे तो भी आप यहां से टाइप कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको डायरेक्ट भी टाइप करके दिखा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। इज इक्वल टू COUNT IF, ठीक है, काउंट इफ, छोटी कोष्ठ लगाने हैं और यहां से आपको ए क्या आपने वहां से लिखे थे, चलिए फिर से हम यहां पर देख लेते हैं क्या है इसका। आपको C9 है ना और AG9। तो जैसे ही हम C9 को जैसे ही हम लेंगे, C9 को जैसे ही लेंगे, यहाँ पर C9 हमारा क्या हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा। छोटी को अनुपात लगाने हैं, इसके बाद है AG9, ठीक है, और इसको हमको क्या करने हैं, कॉमा लगाने हैं। देखिए कि जैसे ही हम C9 अनुपात AG9 लिखे हैं, देखिए हमारा यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक सेल आपको सिलेक्ट है। देखिए देख रहे हैं सारा सेल आपको सिलेक्टेड है, इसीलिए हम सारे चीज़ को आपको एक एक कर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे तक का है इसको चलिए हम यहाँ से देख लेते हैं वैल्यू को लेकर के। यहाँ से तो यहाँ तक पूरा सिलेक्ट है ना, देखिए बिल्कुल यहाँ से पूरा तक आपका सिलेक्ट है। और जैसे ही आप यहाँ से आपका क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पर कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा देना है, यानी कोस्ट लगाना है। अब आपको क्या वैल्यू निकालना है, प्रेजेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे पी, फिर से छोटी कोस्ट करेंगे बंद, आपका वैल्यू आपका आ जाएगा। तो ये आप हाथ से भी लिख सकते हैं और नहीं तो पी आप डायरेक्ट यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए एंटर दबाते हैं, देखिए आपका यहाँ से वैल्यू वगैरह आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक इनका है मात्र 6 दिन का प्रेजेंट है, यानी ए है आपके तीसरे नंबर में। चलिए देख लेते हैं कौन है, मोनी कुमारी, ठीक है। ये बहुत कम प्रेजेंट होते हैं, देखते हैं इसको काउंट करके कहीं फॉर्मूला गलत तो नहीं ना कर रहा है। अबसेंट अबसेंट 1 दिन आपका प्रेजेंट है, 1 दिन इसमें प्रेजेंट है, 2 दिन, ए 3 दिन, 4, 4, 4, 4, 5 और 1, 6, मात्र 6 दिन ये प्रेजेंट हैं और इनका सारा चीज़ निकला हुआ डाटा, ठीक है। तो इतने निकालने के बाद अब हम क्या करते हैं कि इनको हम ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करने के बाद सारा चीज़ हम निकाल लेते हैं।
ए देखिए, ठीक है। अब यहाँ से कर लेते हैं ड्रैग, आपको ऑटोमेटिक जो है आपको सभी का डिटेल्स यहाँ पे निकल जाएगा। देखिए सभी का आपको प्रेजेंटेशन क्या हो गया, सो हो गया, कितने दिन कौन लोग प्रेजेंट हैं। अब मानते हैं कि हमें इनका क्या निकालना है, परसेंटेज निकालना है, ठीक है। अब इनकी हमें परसेंटेज निकालनी है कि एक कितने परसेंट हुए, कितने दिन ये मान दे प्रेजेंट हैं। तो अगर आपके इनके प्रेजेंट को देखें तो अगर आप 31 को लेकर के चलते हैं तो आप इसे 31 के हिसाब से अगर प्रेजेंटेशन निकालना तो 31 के हिसाब से निकाल सकते हैं। और यदि आपको इनको 27 डेज के हिसाब से निकालने हैं तो आप 27 डेज के हिसाब से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपका टोटल क्लास कितने दिन होते हैं, 27। देखिए आपको टोटल क्लास 27 दिन का ही होता है ना, तो 27 दिन, लेकिन आपको जो महीने का जो दिन है वो कितना दिन है, 31 दिन। अगर आपको 31 हो या फिर 27 हो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको प्रेजेंट के लिए परसेंटेज के लिए आपको क्या निकालने हैं तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। परसेंटेज आपको आशा है कि परसेंटेज आपको साफ से दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर हम परसेंटेज हम निकालते हैं। देखिए ए आपको प्रेजेंट डे है ना, प्रेजेंट दिन कितना दिन प्रेजेंट है क्लास में, प्रेजेंट डे है ना, क्लास कितने दिन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर यह है 27 डेज प्रेजेंट हैं। और इनका परसेंटेज में निकाला जाए तो ये हो जाएगा इक्वल टू सी ओ यू, नहीं परसेंटेज के लिए डायरेक्ट हम आपको निकाले थे कि टोटल नंबर यानी कि टोटल दिन कितना दिन प्रेजेंट है, 27 दिन, ठीक है, गुने 100 बटे आपको दे देना है 27, ठीक है, यानी जो फुल मार्क्स है, टोटल दिन गुने 100 बटे टोटल आपका दिन है ना, तो आपका 27 दिन है, ये आपको वैल्यू 100%। अगर मानते 31 दिन का था तो 4 प्लस और ऐड कर देंगे तो भी 31 दिन में 31 दिन जाएगा आपका 100। चलिए फिर से इसको निकालते, इक्वल टू आपको टोटल कितने दिन प्रेजेंट है, 22 दिन, तो 22 गुने 100 भागा 22 गुने 100 भागा यानी बटे टोटल जो पूर्णांक वैल्यू है, जितने दिन का मंथ लग रहा है, जितने दिन क्लास हुआ उसको ले लीजिए, तो ए आपको हो गए 27। जैसे इंटरप्रेस करेंगे आपको देखिए 81% जो है इनकी अटेंडेंस है, तो आप इस प्रकार से ले सकते हैं। अब अगर मानते हैं कि आपको 31 दिन के हिसाब से लेने हैं तो ए आपको जो है आपको इसको काट के आप इसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर और 4-4 दिन इसमें प्लस करेंगे तो आपका यहाँ पे वैल्यूएशन आपका निकल जाएगा। तो इस प्रकार से निकालने के बाद जैसे ही हम ड्रैग करेंगे देखिए आपका सारा वैल्यू यहाँ तक निकल जाए, कौन कितने परसेंट जो हैं उपस्थित हैं। देखिए मात्र 22 दिन परसेंट है, 81%, 26%। आपको इस प्रकार से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ये आपका टोटल डिटेल्स है, स्टूडेंट वगैरह का डिटेल्स है। देखिए यहाँ पर टोटल डिटेल्स हम एक बार दिखा देते हैं, ठीक है। ये आपको इस प्रकार से हैं, आपको यहाँ पर ये सारे चीज, तो ये सारे डाटा फिल करने में थोड़ी सी समय तो लगती है, लेकिन आपको इसको अच्छे से आपको सीखने हैं सारी चीज़ को। तो आशा है परसेंट आपको समझ में आ गया होगा। अगर मानते एबसेंट ही निकालना है, कितने दिन एबसेंट है ना, तो बस इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे सी ओ यू एन टी, इसको सबसे पहले तो दिखेगा नहीं, तो सबसे पहले हम इसे कर लेते हैं वाइट, कलर कर लेते हैं वाइट ताकि हमें अच्छे से दिख सके। चल इज इक्वल टू सी ओ यू एन टी काउंट इफ, ठीक है, छोटी कॉस्ट, यहाँ ले लेना है रेंज, रेंज हमारा क्या है, चले रेंज हमारा क्या है, यहाँ से लेकर के प्रेजेंट, यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक का रेंज देखिए है ना, आपको रेंज यहाँ तक का है, मतलब टोटल जो भी, ओ सॉरी ये कट गया आपको, चले फिर से इधर से नहीं लेके चलते हैं, आप किधर से भी लेके चलते सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए बस माउस के पॉइंटर आपको छूटने नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए देखिए ये आपको सिलेक्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको देने हैं कॉमा, और कॉमा के बाद डबल इन्वर्टेड कॉस्ट आपको देने हैं ए, और यहाँ पे इन्वर्टेड कॉस्ट आपको कर देने हैं बंद, ठीक है। जैसे आप इंटर को प्रेस करेंगे आपको देखिए यहाँ पे रिजल्ट आपका दे देगा। देखिए यहाँ पे टोटल एब्सेंट कितने दिन है, 0 दिन, यानी कि एक भी दिन ए एब्सेंट नहीं है। बाकी सबको देखते हैं कोई और है कि नहीं एब्सेंट,
तो देखिए ए यहाँ पर 10 दिन एब्सेंट है, 5 दिन एब्सेंट है, इस प्रकार से ए इनकी एब्सेंट की लिस्ट है। चलिए एक बार फिर से हम पूरे छोटे कर देते हैं, देखिए बिल्कुल छोटा में, और देखिए यहाँ पर ए आपको एब्सेंट प्रेजेंट सारे वैल्यू आपको यहाँ से दिख रहे हैं। देखिए सारे वैल्यूएशन आपको यहाँ से दिख रहे हैं, एब्सेंट का, प्रेजेंट का, ठीक है। और ए यहाँ पर आप नंबर मिला सकते हैं, देखिए कुछ स्टूडेंट का, तो थोड़ी सी इसमें करनी होगी मेहनत, उसके बाद आप इजी वे में सीख सकते हैं। तो ए हमने सिखाया आपको काउंट और काउंट काउंट ए काउंट ब्लैंक और काउंट इफ फॉर्मूलेज को, ठीक है। चलिए अब हम आगे यहाँ पे देखते हैं, और एक चीज़ और यहाँ पे थोड़ी सी हम ये बताना भूले थे कि काउंट में यदि आप यहाँ से देखिए आप वैल्यू निकाले हैं, तो अगर यहाँ पे सेल को ऐड करेंगे तो ए भी ऐड होता जाएगा। जैसे मानते हैं यहाँ पर हम यहाँ से 30 डालेंगे, तो देखिए यहाँ पर काउंट आपका 5 हो गया। मानते हैं इस सेल को अगर हम फिल करेंगे तो देखिए काउंट ब्लैंक घटेगा और ए दोनों आपका बढ़ेगा 36, देखिए ये दोनों आपका बढ़ रहा है। अगर डिलीट करिएगा घटेगा, ऐड करेगा बढ़ेगा। तो ए देखिए आपका ये जो है टोटल कितने हो गए, आपके चौथे फॉर्मूले काउंट इफ को हमने निकाला, साथ में हमने परसेंटेज को निकाला। अगर आपको यहाँ पे 31 हो गए तो आपको बस लगाने क्या है, देखिए अगर मानते हैं कि आपको टोटल डे 31 होगा, चलो इसको एक एग्जांपल से परसेंटेज को और हम थोड़ा क्लियर करते हैं। मानते हैं कि टोटल डे, ठीक है ना, टोटल कितने दिन है आपको 31। अगर मानते हैं कि 31 में कोई 31 दिन प्रेजेंट है, 31 में कोई 31 दिन या 27 दिन प्रेजेंट है, तो इसको आपको क्या निकालने हैं, कैसे निकालने हैं, तो देखिए आपको निकालने इज इक्वल टू टोटल नंबर, टोटल कितने दिन प्रेजेंट है, मानते हैं कि 27 मान के चलते 31 दिन प्रेजेंट है, तो 31 गुने 100 है ना, बटे आपको दे दीजिएगा जितना दिन का महीना होगा। अगर मानते हैं 30 दिन का महीना होगा तो बटे 30, अगर 29 या 28 का होगा तो बते देना 29 या 28। अब प्रिंटर मारिएगा, देखिए आपको 100% निकल गया। अगर यहाँ पे मानते हैं कि किसी का नंबर है, मानते हैं यहाँ पर 31 था, मानते हैं कोई दिन जो है कोई व्यक्ति 25 दिन ही प्रेजेंट है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, तो इक्वल टू टोटल दिन वर्किंग दिन गुने 100 भागा टोटल मंथ का दिन, मंथ का दिन 31, आपको यहाँ से देखिए निकल जाएगा 80%, ठीक है। तो आप यहां से इस प्रकार से भी समझ सकते हैं। चलिए फिर से मैं दिखा देते हैं, और अगर किसी का अटेंडेंस 18 दिन है मार्च महीने में, तो इक्वल टू यहां पर देने हैं 18 गुने 100 है ना भागा या बटा आपको 31, मार्च है तो 31, और यदि अप्रैल है तो F2 को रिनेम करके अगर अप्रैल है तो यहां पर देंगे 30 है ना 60%। अगर मानते हैं 28 से 29 का महीना आता, 28 से 29 दे दीजिए। तो ये आपको यहाँ से एक एक करके आपको ये सारे चीज को समझने होंगे। अब नेक्स्ट आपको हम ये बताने जा रहे हैं कि परसेंटेज हमने निकाला, परसेंटेज के बाद अब हम आपको दिखा देते हैं काउंट इफ फॉर्मूले का यूज, ठीक है। चलिए तो चलते हैं काउंट इफ की ओर, यहाँ पर लेकर के चलते हैं काउंट इफ, काउंट इफ्स, ठीक है, काउंट इफ्स फॉर्मूले, फॉर्मूला को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, है ना। चलिए इन सारे चीज को भी हम आगे में समझाएंगे सारे चीज को, अभी फिलहाल कुछ फॉर्मूले को दिखा दे रहे हैं। चलिए काउंट इफ्स, काउंट इफ्स फॉर्मूला में हम क्राइटेरिया को लेंगे इज इक्वल टू COUNT काउंट IFS काउंट एप्स सिलेक्टन कर देना है। अब यहाँ से आपको लेने हैं मानते हैं क्राइटेरिया रेंज 1, ठीक है। अब क्राइटेरिया रेंज 1 आपको मानते हैं कि आपको यहाँ पर से टोटल आपके यहाँ पे क्राइटेरिया, तो देखिए यहाँ पर जो हमने रिजल्ट दिया है, रिजल्ट के लिए एक सीट हमने अलग से बनाया है डिवीजन फॉर्मूला, तो चलिए हम यहाँ से निकालते हैं क्राइटेरिया रेंज के ऊपर से। ये देखिए यहाँ पर हम निकालने वाले हैं आपको सम इप्स फॉर्मूले को, यहाँ पर हमने सारे नाम लिखे हैं, यहाँ पर स्टूडेंट का डिटेल्स, कैटेगरी क्या है, फुल मार्क्स कितने का था, टोटल मार्क्स कितने हैं, परसेंटेज ऑफ मार्क्स कितने हैं, और ये हमने कैटेगरी को चुना है। मानते हैं यहाँ पर कैटेगरी हमको ये देखना है कि कितने व्यक्ति जो हैं उनका नंबर 300 से ज़्यादा आया है,
250 से ज़्यादा आया है या 250 से कम आया है, इन सभी का अगर फॉर्मूला आपको लगाने हैं तो फॉर्मूला आप कैसे लगा सकते हैं। इज इक्वल टू चलिए यहाँ पे आपको ऐसा होगा, यहाँ पर आते हैं डिवीजन फॉर्मूला में, यहाँ पे टोटल टाइप करना है। टाइप करने के लिए यहाँ से हम पहले इन वाइट सेल को ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। चलिए तो यहाँ पे लगाते हैं इज इक्वल टू COUNT काउंट IFS काउंट एप्स, ठीक है, छोटी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ कहता है क्राइटेरिया रेंज वन मतलब कहता है कि आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी क्या है। तो देखिए जैसे हमने यहाँ कैटेगरी लिया एक गर्ल एक बॉय, तो गर्ल और बॉय का जो रेंज है वो कहाँ है। तो चलिए यहाँ से हमने सिलेक्ट कर लिया रेंज को। आप अगर चाहें तो कुछ और भी बना सकते हैं, हमने गर्ल्स और बॉय को लिया। इसके बाद यहाँ पे कहता है कॉमा देना है, ठीक है ना, कॉमा। इसके बाद कहता है क्राइटेरिया वन, आप क्या सिलेक्ट करना चाहते हैं, गर्ल्स का या बॉयज़ का, तो हमने निकालना है गर्ल्स का, हो गया गर्ल्स का। फिर लगाने हैं कॉमा, आप देखिए लिखता है क्राइटेरिया रेंज टू, तो क्राइटेरिया रेंज टू आपको क्या निकालने हैं, मार्क्स निकालने हैं या नंबर निकालने हैं, तो हमको आपको परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकालने हैं। चलिए यहाँ से ले लेंगे परसेंटेज ऑफ मार्क्स, टोटल नंबर को हम सिलेक्शन करेंगे। इसके बाद आपको फिर से लगाने हैं कॉमा, ठीक है, फिर से आपको क्या लगाने हैं, कॉमा, आपको लगाने हैं कॉमा। इसके बाद आपको क्या देना है, फिर कहता है क्राइटेरिया टू, अब इसमें कहता है कि आप क्या ऐसा निकालना चाहते हैं गर्ल्स में, तो हम कहना चाहते हैं कि जो लोग का 60 से ज़्यादा नंबर है, ठीक है ना, उसको हमको काउंट करके दे दे। तो देखते हैं, तो यहाँ पर लिखना होगा छोटी कोस्ट ग्रेटर देन 60, फिर इसको बंद कर देंगे। यानी कि यदि जिस कितने ऐसे लड़कियां हैं जिनको 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए हमने रेंज को सिलेक्शन कर लिया है, अब देखते हैं कितने हैं। तो देखिए टोटल 9 लड़कियां हैं जिनका 60% से ज़्यादा मार्क्स आए हैं। चलिए बॉय को निकालते हैं, इज इक्वल टू COUNT IFS काउंट एप्स, ठीक है ना। और यहाँ पर अब हम चलते देखें क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया रेंज कौन सा हमारा है, गर्ल्स एंड बॉय का, तो ये हमने क्राइटेरिया को चेंज सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अगर मानते हैं कि टोटल आपको ये नाम लेने हैं तो आप नाम को भी ले सकते हैं, क्राइटेरिया हो गया। अब यहाँ से चलते हैं, कहता है कि यहाँ पर लगाइए कॉमा और बताइए क्राइटेरिया क्या है रेंज में, गर्ल्स या बॉय, बॉय लगाना है कॉमा। इसके बाद कहता है क्राइटेरिया रेंज टू, तो हम यहाँ से क्राइटेरिया रेंज ले लिए टू, ठीक है। आप क्राइटेरिया रेंज फिर से कॉमा दीजिए और लगाइए क्राइटेरिया रेंज में क्या आप लगाना चाहते हैं, कितना देखना चाहते हैं, तो वही इज इक्वल टू ग्रेटर देन 60, ठीक है। अगर 60 से जो ज़्यादा है उसको हमको निकाल के दिखाओ, तो इंटर मारिएगा। तो देखिए टोटल 9 ऐसे लड़के हैं जिनका 60% से ज़्यादा मार्क्स है, और टोटल 9 ऐसे लड़कियां हैं जिनका 60% से ज़्यादा मार्क्स हैं। अगर हम लगा देंगे इक्वल टू तो 60 या 60 से ज़्यादा हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आप यहाँ से सीट को छोटा कर दे रहे हैं, आप एक बार इसको आप देख सकते हैं कि क्या इसमें से कुछ ऐसे हैं जो 60 से ज़्यादा हैं, ठीक है। आप इसको गिन भी सकते हैं, देखिए इस प्रकार से, और इसको आप डिटेल्स बनाना चाहते हैं तो डिटेल्स भी बना सकते हैं। चलिए तो ये हमने ग्रेटर देन को ज़्यादा करके दिखाया था, अब हम चलिए लेस देन को करके दिखाते हैं। मानते हैं कि जो 60 से कम है ना, तो अगर हम लेस देन 60 यहाँ पर बनाते हैं, लेस देन 60, चलिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ हम लेते हैं लेस देन 250। चलिए हम नंबर आपके लिए चलते हैं 250 नंबर, किनकी कितने लोगों का जो नंबर है वो 250 से कम है ना, और कितने लोग का नंबर है जो 250 से ज़्यादा है, आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू COUNT IFS काउंट एप्स लगाएंगे छोटी कोश क्राइटेरिया रेंज वन, तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, बॉय और गर्ल्स का,
हम यहाँ से बॉयज और गर्ल्स का ले लेते हैं, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ से मानते हैं गर्ल्स का निकालना है तो सिलेक्ट करेंगे गर्ल्स, फिर लेंगे कॉमा। आपकी देखिए जो परसेंट आपके हम नंबर को सिलेक्ट करना है ना, तो ये ले लेते हैं नंबर। चलिए और यहाँ पर लेते हैं कॉमा। कॉमा के बाद यहाँ से देखिए आपको दे देते हैं क्या, देखिए यहाँ पर हम ग्रेटर देन दिए थे ना, आपको ग्रेटर देन नहीं देने, आपको देने लेस देन। ये आपको हो गया लेस देन, कितना 250। अगर जिन लोगों का 250 से हो कम वो कौन कितने नंबर हैं, तो देखिए यहाँ पे बताया कि ऐसे कोई नहीं है जिनका 250 से कम आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए आपके ऐसे कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिनका नंबर आपको 250 से कम है। एक आपका 225 है, लेकिन 225 ए में क्या है, बॉय है, ठीक है। देखिए ऐसी कोई लड़कियां नहीं है जिनका 225 से कम है। देखिए एक जो 225 है वो बॉयज है। चले तो यहाँ पर करके देखते हैं फिर से क्या आपकी इसमें क्या दे देता है। इज इक्वल टू सी ओ इवेंट अकाउंट, इसके बाद लगाएंगे आई एफ एस एप्स। अब यहाँ से क्राइटेरिया रेंज देना है, ठीक है। तो क्राइटेरिया रेंज हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं, क्राइटेरिया रेंज। इसके बाद लगाने हैं कॉम में, इसके बाद हमको आपकी निकालना है बॉय का, इसके बाद फिर लगाना है कॉमा। अब सिलेक्ट करते हैं यहाँ से नंबर, है ना, टोटल निकालते हैं नंबर्स, इसके बाद लगाते हैं कॉमा, इसके बाद फिर आपको यहाँ से लगाने हैं इन्वर्टेड कॉमा, लेस देन कितने नंबर 250, है ना, और इंटर। देखिए टोटल एक स्टूडेंट सिर्फ ऐसे हैं जिनका 250 से कम नंबर हैं। तो देखिए आशा है कि आपको ये सारे चीज़ समझ में आए होंगे, और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है, थोड़ी सी टफ प्रोसेस है, इसीलिए आपको यहाँ पे ऐसा लगा होगा, लेकिन फिर भी बहुत ही इजी वे में हम समझाने की आप लोग को कोशिश किए हैं। और यदि अभी भी समझ में नहीं आ रहा हो तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, आपको हम आप बस कमेंट में लिख दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पर ये चीज़ समझ में नहीं आया, आप अपने नंबर्स को दे देंगे, आपको हम नंबर्स के द्वारा आपको ये प्रोवाइड करा देंगे या आपको समझा देंगे कि हाँ यहाँ पर इस तरीक़ों से आप रेंज को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बस आप कमेंट बॉक्स, बहुत सारे लोग को पता नहीं कि कमेंट बॉक्स में कैसे पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए जो वीडियो देखेंगे उस वीडियो को सबसे अंत में जाएंगे तो नीचे में लिखा हुआ होगा कमेंट, उन कमेंट में आप हमें बताइए कि सर हमें ये नंबर इसे या नंबर आप नहीं देना चाहते तो बस ये लिखिए कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा होगा, आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। तो एक्सेल का ये आपको काउंट सीरीज हुआ, और काउंट सीरीज के साथ साथ ये सारे चीज़ हमने डिटेल्स को बनाया है, और यहाँ पर देखिए अटेंडेंस शीट को भी हमने निकालना सिखाया है। तो बहुत सारे वीडियोज आपके अलग अलग सिंगल सिंगल होंगे, हमारा एक ही वीडियोज के अंदर में ये सारे चीज़ को डिटेल्स डाल चुके हैं। अगर आपको थोड़ी सी और देखिए यहाँ पर हम इजी वे में आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको एक एक शीट को यहाँ पर दिखा सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप यहाँ से ले सकते हैं, ये आपको देखिए यहाँ पर टोटल डे, टोटल प्रेजेंट डे, आपको यहाँ हॉलीडे निकाला हुआ है, और ये आपको देखिए संडे मंडे करके आपको जो है निकाला हुआ है, अटेंडेंस डिटेल्स है आपके, ये देखिए ये टोटल जो है आपके ये स्टूडेंट के डिटेल्स हैं, देखिए ये आपको स्टूडेंट डिटेल्स हैं इस प्रकार से, ठीक है। ये यहाँ पर आपको डे एंड डेट हैं, और यहाँ पे सारे चीज़ निकाले हुए हैं, संडे वगैरह को निकाले हुए हैं, ये आपको अटेंडेंस डिटेल्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये आपका मार्च है, तो इस प्रकार से। और ये देखिए हमने सीट में ये नाम भी दिया हुआ है, अटेंडेंस सीट, डिवीजन फॉर्मूला, सीट 3, इस प्रकार से। तो ये सारे चीज़ को तो देखिए हमने आपको यहाँ पे काउंट सीरीज, आपको सम सीरीज से थोड़े से टफ है आपको लगे होंगे, लेकिन टफ है नहीं, आपको बहुत ही इजी वे में इस सारे सीरीज को आप समझ सकते हैं। आपको बार बार हम बोलते हैं कि अगर कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि यहाँ सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि यदि आप ये हमें बताएंगे नहीं समझ में आएगा नहीं कि क्या दिक्कत है आपके साथ, ठीक है। और एक कभी आप ये ना सोचें कि हाँ हमें ये नहीं समझ में आ रहा है,
ए इनका ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी इजी वे से समझाया जा रहा है बहुत कम लोगों को इतनी वे में समझ में आएगा। अगर आपको इससे भी और ज़्यादा इजी चाहिए तो आप हमें बताइए, क्योंकि नहीं बताएंगे आपको कैसे समझ में आएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं कि लाज लिहाज के शर्म या शर्म के भरोसे जो है कि नहीं बता पाते हैं, वे लोग को हम कहते हैं कि देखिए पढ़ाई लिखाई में कोई शर्म नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, यदि आपको ज्ञान लेने हैं तो आपको इसके लायक बनने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो आपको काउंट सीरीज का हमने बताया और जो आपने अटेंडेंस शीट को बताया, फॉर्मूलाज को बताया, और फिर से एक बार हम फॉर्मूलाज को रिपीट कर देते हैं। देखिए कोई भी अटेंडेंस शीट को आपको निकालने हैं, कोई भी परसेंटेज निकालने हो आपको, तो आपको परसेंटेज को निकालने के लिए आपको करने क्या है कि जितने आपको मंथ हैं उतने को आपको यहाँ पे भाग दे देने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए मानते हैं कि अगर कोई मानते हैं कि मार्च का महीना है तो मार्च के महीने में टोटल कितने दिन होते हैं, 31। अगर 31 में कोई वर्क किया है, वर्किंग डे जो है मानते हैं 28 है। ठीक है, तो जो परसेंटेज का जो फॉर्मूला है अगर हमारे अनुसार चलें तो परसेंटेज इज इक्वल टू, है ना, परसेंटेज इक्वल टू टोटल वर्किंग डे, टोटल वर्किंग डे गुने, ठीक है ना, टोटल वर्किंग डे गुने 100 बटे, ठीक है, बटे आपको क्या करना है, ये आपको लिखना है टोटल मंथ डे या फुल मार्क्स, मार्क्स इट इज। ठीक है, अब जैसे मानते हैं कि 31 दिन का महीना है, 28 दिन काम किए हैं, तो कितने परसेंट काम किए, तो यहाँ पर लगाइए टोटल वर्किंग डे कितना हो गया, 28, ये हो गया 28 गुने कितना हो गया 100 बटा आप कितने कर सकते हैं, एक टोटल फुल मार्क कितना हो गया 31, ये आपको 31 हो गया। अब इसको आप काट कूट कर दीजिए, जो भी वैल्यू होगा आपका आ जाएगा। उसी प्रकार से मानते हैं कि किसी का इंटर में 332 नंबर आ गया, है ना, तो नंबर 332 है, फुल मार्क्स कितने के होते हैं, 500 का। ठीक है, तो 332 गुने 100 बटे क्या करेंगे, 500। ठीक है, अब यहाँ 100 पचे 500 अब भागा दे दीजिए। और इससे इजी वे में हमने एक और समझाया था कि सब्जेक्ट, अगर आपको रिजल्ट वाला निकालना है परसेंटेज, तो आप उसको सब्जेक्ट को देखिए कि कितने सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे रहे हैं, उसका फुल मार्क्स कितना हुआ, तो एक सब्जेक्ट पे कितना नंबर आपको पड़ा उतने सब डिवाइडेशन कर सकते हैं। तो आप टोटल को मिला जुला के देखेंगे तो आपको निकल जाए। अगर मानते हैं अप्रैल का देख रहे हैं तो अप्रैल में क्या हो जाएगा कि इतना गुने इतना बटे 30, अगर फरवरी मार्च का होता 28-29 आप निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे काउंट इप्स में आपको टोटल, और जो हमने अटेंडेंस सीट या अटेंडेंस के जो स्टूडेंट की लिस्ट दिखाया, ये बड़े बड़े कंपनियों में सारे वर्कर्स के नाम होते हैं, और वर्कर्स को ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि संडे मंडे का छुट्टी होता है, आप ओवर टाइम वगैरह निकाल सकते हैं, कितने घंटे आप आए, कितने बजे सुबह आए, कितने बजे शाम आए, और टोटल मेंटेनेंस आप द्वारा कर सकते हैं, घटा घटा कर सकते हैं वो सारे चीज़ को हम। और एक्सेल बहुत ही बड़ा टॉपिक है, क्योंकि कहीं पर भी पढ़ाया जाता है तो बहुत ईजी वे में लोग सोचते हैं, या डीसी भी पढ़ते हैं तो लोग सोचते हैं कि 6 महीने में हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन कंप्लीट उन्हीं व्यक्तियों का होता है जो कि बहुत ही अच्छे पढ़ने में होते हैं, ऐसे नहीं कि बस आना जाना है, क्योंकि जनरली जो 6 महीने में भी लोग नहीं सीख पाते हैं, कोर्स भी पूरा नहीं होता है, कहीं कहीं कोचिंग्स में आपको 3 महीने 2 महीने में भी डीसी भी पूरा कर देते हैं, पर हमसे ये चीज़ संभव नहीं होता, हम खुल कर बोलते हैं कि ये चीज़ हम, क्योंकि हमारे पास ऐसे नहीं कि पैसे सिर्फ कमाने का मकसद है, पैसे के साथ साथ हमें ज्ञान बांटने का भी मकसद है कि जितने ज़्यादा हो सके तो हमसे ज्ञान ले सकते, जो पढ़ने में अच्छे होंगे उनको हम उतना ज़्यादा अपनी कोशिश करके बताने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा कभी नहीं आज तक लगता है कि हमसे कोई ज़्यादा स्टूडेंट सीख जाएगा। ठीक है, इसलिए जितने भी हम जानते हैं कोशिश करके हर स्टूडेंट अच्छे करने वालों को हमारी तरफ से रहेगी सीख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ लोग बोल रहे थे कि सर अपना पता बता दीजिएगा, तो पता बताने के लिए भी जो है कि हम आपको अगले स्लाइड में आज की जो है बता देंगे।
क्योंकि इसके बाद आपको सारे लेक्चर्स आपको थोड़े से लॉन्ग पड़ जाएंगे। आप ये पार्ट 7 का जो एक्सेल का सीरीज है और यहाँ पर और को आपको थोड़ी सी तेज़ी से चल रही होगी क्लास, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कम लोग रहते हैं और बताने की हमें आवश्यकता उतना पड़ती नहीं है, हम आपको सिर्फ समझाते हैं, ठीक है। लेकिन जब क्लास में रहेंगे तो यही क्लास आपको दुगना तिगना चलेगा, क्योंकि वहाँ पर रंग बिरंग के जो है एग्जाम्पल्स को लेकर के सिखाया जाता है। तो चलिए, आशा है आपको ये बातें समझ में आई होगी। बाकी अब अगले लेक्चर्स बहुत ही जल्दी मिलेंगे, ठीक है। धन्यवाद।